अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फबीहा फातिमा। आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कि सलमान खान ने कैटरीना की शादी के बाद जो इतना सब्र किए बैठे थे, तो सलमान खान की खामोशी के साथ साथ उनका सब्र भी टूट गया और उन्होंने अपनी शादी का फैसला कर लिया। उन्होंने कैटरीना कैफ को चैलेंज किया कि वो कुछ दिनों तक शादी करके दिखाएंगे। तो हमारी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ। सलमान खान और कैटरीना कैफ, जैसे कि सब जानते हैं कि दोनों आपस में रिलेशनशिप में थे, मगर कैटरीना की तरफ से ऐसा कुछ नहीं था। वो बस सलमान खान को दोस्त समझती थी, लेकिन सलमान खान के जज्बात कैटरीना कैफ के लिए कुछ और ही थे और वो कैटरीना से शादी भी करना चाहते थे, मगर कैटरीना कैफ ने शादी के लिए रजामंदी नहीं दी। मगर यहाँ ये बात भी कहना गलत नहीं होगा कि कैटरीना ने सलमान खान के साथ गलत ही किया। अगर शादी नहीं करनी थी तो उनके साथ इतना वक्त भी ना गुजारती। जबकि कैटरीना कैफ को मालूम था कि सलमान खान उनको लेकर काफी सीरियस है, लेकिन अब सलमान खान ने भी कैटरीना की शादी के बाद खामोशी तोड़ ही दी और खुल्लम खुला कैटरीना को चैलेंज किया कि मैं भी शादी करूंगा। और जैसे कि सोनाक्षी सिन्हा के बारे में भी ये रूमर्स थी कि वो सलमान खान के भाई को डेट कर रही हैं और सलमान खान से नहीं बल्कि इनके भाई से शादी करेंगे, मगर यहाँ भी गेम उल्टी पड़ गई। सोनाक्षी के फादर शत्रुघ्न को सलमान खान के भाई नहीं बल्कि सलमान खान पसंद है और सोनाक्षी भी अपने गलत फैसले पर काफी शर्मिंदा है कि उन्होंने सलमान खान के भाई को डेट की, मगर हकीकत में उन्हें सलमान खान पसंद थे। इसके पीछे भी एक लॉजिक थी कि सोनाक्षी असल में सलमान खान के करीब होना चाहती थी, इसलिए उन्होंने इनके भाई का इस्तेमाल किया। लेकिन जब सलमान खान और सोनाक्षी को एक दूसरे की मोहब्बत का एहसास हुआ तो सलमान खान ने सोनाक्षी को प्रपोज कर दिया और अब मामला बिल्कुल ठीक है। सलमान खान और सोनाक्षी ने ऑफिशियली इंगेजमेंट कर ली है और इनके बारे इनके पास्ट की तमाम बातों को लोग इग्नोर कर रहे हैं और इनके फैंस इन दोनों की जोड़ी को काफी पसंद कर रहे हैं और ये दोनों एक दूसरे के साथ काफी जचते भी हैं। सोनाक्षी अपने इंगेजमेंट के बाद सलमान खान के साथ काफी बार मिल चुकी हैं और ये मीडिया पर भी एक दूसरे के साथ ही नजर आते हैं और इन दोनों को साथ देखकर इनके फैंस भी काफी खुश हैं। लेकिन एक बात भी सबने नोटिस की है कि सलमान खान की मंगनी के बाद कैटरीना को थोड़ी सी जेलसी हुई है। सलमान खान के साथ कैटरीना ने वक्त गुजारा था और इनका दिल भी तोड़ा था, तो थोड़ा सा तो फर्क पड़ना ही था। लेकिन कैटरीना ने भी सलमान खान को जैसे तैसे करके मंगनी की मुबारकबाद दी है और सलमान खान ने भी कैटरीना को शादी के लिए इन्वाइट किया है और सलमान खान सोनाक्षी से जल्द ही शादी करने वाले हैं।